मैं तुहानियां सारियां सुन लईयां। ये मैनू दसो, तू जो हुण बिबलिया खलोता है, शादी शादी शादी, ओ एदे विच केड़ी कमी है? हैं अब्बा जी, एदे विच कमी काई नहीं। शादी किस वास्ते करींदी है? औलाद वास्ते। एदे विचू तां औलाद मैनू होंदी काई नहीं। ते तुहाडी मेहरबानी, मैनू दूई शादी कराण दिओ। इहनू 70-100 वारी मैं इह गल कीती खलां, वाह मजाल है जे इहदी अकल ते काई गल बणदी पई होवे। इस तां अपनी किस्मत खावणी है, मैं कोई जिहड़ा इहनू चिकदा पिआ कि नहीं। हर शायद है सू नहीं, किसे शायद की कमी है सू। ते मैनू राजी खुशी पर नीवण देवे, दू शादी करण देवे। कल नू कोई मेरा भी वल्ली वारिस होसी, पिछू कोई मेरा ना तां लाई बासी। इस वजह तू मैं तां इहने अब्बा दूई शादी करनी ही करनी। जे उंज मन जावे तां ठीक है, जे ना मन्नी ते मैं मुड़ भी शादी करनी ने। और मेरा पुत कोल हो बे ना, मेरे और नेड़े हो, मेरी गल सुन। एदा दिमाग है हुण हल्या खला, एदे दिमाग ते हिक्का ही गल बह गई है, बे मैं शादी करके खलोना। ते रह गई गल, ए जिहड़ा सवाल करंदा भी औलाद नहीं हुंदी पई, क्यों नहीं औलाद होंदी पई, की मसला है? कोई चेकअप कराओ, किसे डॉक्टर नु चेक कराओ, किसे नाल कोई मशवरा करो, क्यों नहीं होंदा पिया? अबू जी, मैं तो बशे नु कितनी बारी आख्या कि मैनू लै जावे डॉक्टर कोल, एक दफा चेक तो करवाइए, लेकिन वो लै के नहीं जांदा। पता नहीं केड़ी उर परी वेखी गलत है, कहंदा कि मैं शादी करनी करनी है, पर नीवड़ा है मैं। हुण मैं की आखा उनू? अच्छा मेरा पुत, तू परेशान ना हो, मैं आना, मैं तेनू लै जाना डॉक्टर, ते मैं चेक कराइना। अल्लाह खैर करे सी, चेक कराने कोई हर्ज नहीं, ठीक है ना? परेशान ना हो तू, चल आ मैं तेन डॉक्टर लै जावा। ठीक आओ, और बाहर जाए से बाहो। किधर लेके आ गए हो? परेशान ना हो, ये मेरे बेली दा घर है, ते ये मुश्तर का जी आई है खाता भी वेले को ले आ बाने आए, ते खामन पीवन माहौल साड़ा चल जान्दा। ते चेकअप तो वो जड़ा करा लिया। हाँ ते उन डॉक्टर ते नुदा छड़ा भी तेरे इतना फाल्ड कोई नहीं, जे इसका मतलब ही यो बनता ना भाई, ये औलाद नहीं पीऊंदी तो मुड़ू भाई शेरे च कोई मसला है, ते ओ दूई शादी वास्ते भी काला वदा। लेकिन मैं सोतन नहीं बर्दाश्त कर सकती। सोकड़ नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो मुड़े एक होर राह है। की मतलब? सोकड़ में तो इतनी नहीं बर्दाश्त होंदी, वो भी दूई शादी वास्ते बना खाला है, ते मुड़ ये भी है भाई कि मैं ना कज्जी रेज जावे तो चंगा नहीं। मैनू तो तुहाडी किसी भी गल की समझ नहीं आ रही, खोल के गल करो। ओहो, हुण सारा किवें खोल के? मतलब यह है बे तेनू औलाद चाहीदी है, डॉक्टर आख्या बे तेनू कमी काए नहीं, तू ठीक है, तेनू तो औलाद हो सकदी है। तो औलाद किवें होवेगी? ते औलाद ही तो जरूरी, जे औलाद ना होवे तो मुड़ तेरा जुगा नहीं वसना, वो भी तू बर्दाश्त कर सकदी, औलाद मुड़ पैदा कर। किवें करा? मेरे च तो कोई फॉल्ट नहीं है, डॉक्टर भी दस दिता है, और मैं किवें औलाद पैदा करा? एक राह है। केड़ा राह? वो राह ही होए, नां दी बीवी तो तू मुबे शर्दी बाण के रस है, पर असल सवाणी तू मेरी हो से। मेरे नाल सेटिंग कर ला, अल्लाह करे सी औलाद भी हो जासी, तो घर भी बात जासी, ना सौकेणु से ना ओदे शादी वाली कोई टेंशन रह जैसे। मुबशर नु पता लग गया तो फिर? वो कमली या मुंबई शहर नु किवें पता लग सी? कदी प्यो ते भी शक कर सकदा है? जे अगर शक हो गया? ओ नहीं, शक होंदा वो तू मैथे सक। अगर मुबशर नु हो गया ना शक, ते तुहाडी जिम्मेवारी है। पहली गल ते उस नु पता ही नहीं लगदा, असा वो चीज होवण ही नहीं देवणी जेदे च उहनू शक होवे, ते जे कोई ऐसा मसला होया ही सही तो मैं आपे सांभ लई सा, तू इस चीज दी टेंशन ना लो, आई समझ? ते हुण चलिए घर, काफी टाइम हो गया डॉक्टर अल गया, मुड़े इतने जट गुजारी बैठे तो वो भी घर आया वादा उसी, या आवन वाला तो मुड़े में कोई ड्रामा ना बना, ठीक है? ठीक है, हाँ चल आ चलिए।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਵੇਖ ਲਵੋ ਹੁਣ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਸ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ। ਕਾਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ? ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ। ਐਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਰੂ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ। ਹੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਟ ਮੈਟ ਚਲਦੀ ਪਈ? ਉਹ ਸੂਰਤ ਤੂੰ ਕੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ? ਹੁਣ ਕੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਮੁਬਸ਼ਰ ਬਿਰਾ ਨੂੰ ਆਵਣ ਦਿਓ। ਵੇਖ ਦੱਸਣ ਲਾਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ। ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਖੰਦੀਰਾ ਗੇਟ ਮੈਟ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਗੱਲ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੀ। ਗੇਟ ਮੈਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਗੇਟ ਮੈਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗਾਰੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਮੋ ਨਾ ਲੋ ਕੇ ਬੀਂਦਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਚਲ ਤੂੰ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਆਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ। ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਰੂ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਵੇਖ ਦਿੰਦਾ ਦਸੇਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਵਣ ਤਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਟ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਸ਼ਾਰੂ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਸ਼ਾਰੂ ਵੇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਗਿਆ? ਓਏ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸੀ ਉਠੀ ਕੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰ। ਓਏ ਅੱਗਾਂ ਜਾ। ਖੈਰ ਓਏ ਛਾਲਾ ਚੰਗੀ ਬਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਆਮ, ਕੀ ਬਣਿਆ? ਖੈਰ ਤਾਂ ਹੈ? ਖੈਰ ਹੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਭਾਈ? ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਲਾਦ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਲਾਦ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਔਲਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ? ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਗੰਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੁਬਸ਼ਰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕਾਈ ਰੱਖੀ ਆਏ ਬਈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਆਈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਦੂਈ ਸ਼ਾਦੀ? ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਈ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਂ? ਸ਼ਾਰੂ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੋੜੇ ਕਿਹਦਾ ਗੰਦ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਂਦੀ ਅੱਬੂ ਦੀ ਤੇ ਗੇਟ ਮੈਟ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਉਸ ਖੋਡੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੌਕੋ ਭੌਕ ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਦੱਸੋ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਆਖਿਆ, ਨਾਲੇ ਬਾਲਾਂ ਕਦੀ ਕੂੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਦੱਸ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੀ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਭੌਕ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਉਹ ਸਾਫ ਸੌਂ ਗਈ ਕਈ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਭੌਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਈ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦੱਸ ਛੋੜ। ਖੈਰ ਆਈ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਤਾਂ ਆਈ।
की रोला कीने? ओ अब्बा छाड़ दे मैनू, दाना ते आ उल्टा मेरे नाल। ते क्यों खप खप पाई तेरा कितु तक शोर सुनिंदा पिया? हाल हाल तो है पता नहीं कितु ताई जांदी पई। ओए ओस तू पोछो भईओ की जुलम गती वदी है, पता नहीं केदा गान देसू डेढ़े लई वदी है ते मैनू पेंदी है साडी औलाद है। मैं डॉक्टर कोल चेकअप कराया है, उस आखे तेरे च औलाद नहीं हो सकती, ते ओ मैनू इत्थे खुश खबरियां देंदी पई है। ये किवें हो सकदा, ये किवें हो सकदा? आ शाह रुकी पियांदा, मैं तो शर्म आंदी पई है तैनू प्यो सद्दन लगे आवें ते तेरे नाल बेगैरत सदी सा। इस तू पहले कि मैं तुहाडे नाल होर कुछ करा, निकलो दफा हो जाओ मेरी अखी दे अगू, दूर दूर हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं और इमशा हुसैन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और बताइएगा ज़रूर कि आज की हमारी स्टोरी कैसी लगी आपको। देखिए क्या करें, आज की जो स्टोरी हमने बनाई, आज का दौर ही ऐसा जा रहा है माशरे में, इतना यानी कि गलाजत गंद फैल चुका है, इतना ख़राब दौर आ गया कि रिश्तों की कदर ही नहीं रह गई है। देखिए बाप बेटे का स्कैंडल आपको देखने को मिल जाता है, ससुर बहू का, इस चीज़ यानी कि लोग इतने बेगैरत हो गए हैं कि भाई उनमें गैरत नाम की चीज़ ही नहीं रही है। तो हमारा दिखाने का मकसद ये था कि प्लीज़ इन कामों से बाज आ जाएं, सिर्फ हमारा आगाह करना ही आपको काम होता है। देखिए ये चीज़ ख़त्म कर दें, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना कि आप रिश्तों की कदर ही भूल गए हैं, कि रिश्तों का लिहाज ही आप में ख़त्म हो गया, कि आप में गैरत ही नहीं है, वो इंसान ही है जिसमें गैरत ही ना हो। तो प्लीज़ इन कामों से बाज आ जाएं। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दूसरा आपको बताती चलूँ कि आज जैसा कि हमारा टॉपिक इस तरीके से था कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, वो बहुत ही पाक रिश्ता होता है, ठीक है। एक दूसरे से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए, ठीक है। आप में यानी कि बीवी की तरफ से या शौहर की तरफ से कोई भी ऐसी यानी कि बात होती है, कोई फॉल्ट है किसी में, तो आप बैठ के एक दूसरे से यानी कि शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं, ना कि आप छुपाएं और छुपाने की बजाय कोई गलत राह अख्तियार करें। तो बेहतर यही है कि आप लोग बैठ के एक दूसरे के साथ शेयर करें, ऐसी कोई भी बात है तो एक मुनासिब रास्ता आप इख्तियार कर सकते हैं। और भी हल हैं, यानी कि आप गलत ही राह अख्तियार करें, कोई गलत ही काम करें। तो प्लीज़ मियाँ बीवी में तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए ना कि कोई भी बात हो आप एक दूसरे से छुपा के रखें। तो प्लीज़ ये शेयर करना सीखें एक दूसरे के साथ। तो अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाजमी शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। जाते जाते बाडा टीवी पाकिस्तान।